आंखें सब कुछ देखती है। लोग कहते हैं कि बंदा आंखों से कभी सच नहीं दिखता। या सच न देखने के लिए लोग आंखें बंद कर लेते हैं। अभी अभी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार शहर में एक शातिर अपराधी द्वारा किए गए कत्ल के मामले सामने आए हैं। अगर जीना है तो जाग जाइए, आंखें खोल के सावधानी से रहें, अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। जब देखो तब तुम्हारी परेशानियां बढ़ती ही जाती है। मारिए मत। पैसा कमाने के लिए मैं जाता हूँ, तुम नहीं समझी? माफ कर दो आप, मैं ध्यान रखूंगी। रोज साला ये सूखी रोटी खाने में दे देती हो। माफ कर दो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है समझी। घर चलाने के लिए पैसे मैं देता हूँ और उसमें भी एक कौन हो तुम? सर, हमारी कंपनी बहुत कम दाम में घी बेचती है। अगर आप चाहो तो ये फ्री सैंपल आप टेस्ट कर सकते हो। अंदर आओ।
सूखा सूखा इंसान तो लकड़ियों में भी नहीं जलता। मैंने तो सुना है कि जो लोग घी खाना पसंद करते हैं वो उनको ही मार रहा है। अरे फिर तो अच्छा है, मैंने तो 2-3 महीने पहले ही घी खाना बंद कर दिया। ये कोलेस्ट्रॉल आया था ना मुझे। सूत्रों से मिली खबर। दोपहर के 1 बजे के करीब एक और खून करके ये शातिर अपराधी हो गया फरार। पुलिस ने पूरे मामले को समझने के लिए हादसे की जगह पे तहकीकात शुरू कर दी है। मैडम, ये आपकी आंखों के सामने हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब। कितने बजे के करीब ये हादसा हुआ? करीब दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच। ठीक है, अब मुझे बताओ कि खून करने वाले का हुलिया कैसा था, मतलब दिखने में वो कैसा लगता था, कितना लंबा? अरे साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। वो कैसा दिखता था नहीं, वो कैसी दिखती थी बोलिए। क्या बकवास कर रही हो? कोई औरत भला ऐसा? मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आ रहा। साहब, मेरा मर्द भी नहीं मानता था ये सब, इसलिए तो उसको वो आदमी ही दिखा। पर साहब, मैं तो मानती हूँ कि एक औरत ये भी कर सकती है, इसलिए वो मुझे औरत दिखी साहब। अब तो आपको यकीन हो गया ना?